हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रणव सिंगल और भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो ऐसी स्मार्ट की आती है ना गाड़ियों में, तो उनमें भाई ऐसे मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलते हैं कि इनकी जो भाई फंक्शनिंग होती है वो कैसी होती है, भाई मतलब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो सही से, मतलब कैसे यूज होती है भाई। अगर आपकी गाड़ी में ये है बटन तो आप इसको कैसे यूज करोगे और गाड़ी कैसे ऑन होगी कैसे ऑफ होगी। और बाकी भाई अगर आपकी गाड़ी में ये बटन है तो भाई आपकी गाड़ी में इनमें भाई आपको ऐसे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेंगे। तो भाई मतलब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो ये बटन है इसकी क्या फंक्शनिंग है, और बाकी भाई जो ये की आती है ये अपने भाई लिंक है, जो की है ना इस की से बहुत सारे फंक्शन लिंक है गाड़ी में, तो मतलब भाई वो कैसे ऑन होते हैं कैसे ऑफ होते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो अगर गाड़ी मान लो मैं ऑफ कर दूँ यहाँ से, और अब गाड़ी ऑफ हो चुकी है, और अब मान लो मेरे को लॉक करनी है, तो मेरे को यहाँ से मतलब यहाँ से लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से करूँगा प्रेस, तो भाई गाड़ी अपने लॉक हो चुकी है, और यहीं से अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो अपने अनलॉक हो जाएगी। तो भाई मतलब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि ये ऐसी यूज़ होती है। तो भाई यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये अपने और भी हम ये नहीं होते ऑटो फोल्ड, मतलब जैसे अगर मैं लॉक करूँगी अनलॉक करूँगा तो भाई जैसे अभी लॉक करने पे फोल्ड नहीं हुए ना, अनलॉक करने पे अनफोल्ड होंगे। तो मतलब भाई ये चीज़ें गलत दे रखी है कि जब भाई इतनी महंगी गाड़ी है तो अपने ये चीज़ देनी चाहिए कि ऑटोमेटिक भाई फोल्ड अनफोल्ड हो। और बाकी अभी मेन बात कर लेते हैं भाई, जो बटन है ये बटन मतलब कैसे होता है। तो भाई देखो, इस बटन के अंदर इल्यूमिनेशन आती है, तो भाई देखो अभी इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं कि जो ये बटन है इसकी फंक्शनिंग कैसे है। तो ये जो बटन है, अगर देखो मैं इसको एक बार सिंगल प्रेस करूँगा तो अपने भाई कोई चीज़ ऑन नहीं होती, बस केवल अपने स्टीरियो ऑन हो जाता है, वो भी अगर आपने एक बार मतलब कुछ कनेक्ट कर रखा है एप्पल कारप्ले वगैरह तो, और नहीं तो अपने ऐसे सुजुकी का लोगो आता है ऐसे दिखाता है ये, और ऐसे मतलब बीप की साउंड आती रहती है जैसे भाई मारुति की कार्स में आती है। फिर भाई अगर मैं दोबारा से प्रेस करूँगा तो अब की बार इसकी एक्सेसरी ऑन हो जाती है, मतलब पावर विंडो वगैरह और अपने अंदर से एसी और चार्जिंग पोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ ऑन हो जाती है। और अगर आपको ये सब चीज़ ऑन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, और साथ में भाई अगर आपको केवल एक्सेसरी बंद करनी है खोल के, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं है तो आप वापस इसे प्रेस करोगे बटन को और अपनी मतलब गाड़ी एकदम ऑफ हो जाएगी, तो गाड़ी अपनी ऑफ हो गई। और भाई अब देखो, अगर आपको गाड़ी ऑन करनी है, इग्निशन ऑन करना है गाड़ी का, तो भाई यहाँ से आपको कैसे क्लच दबाना पड़ेगा केवल, और यहाँ से जैसे आप प्रेस करोगे एक साथ तो भाई गाड़ी ऑन हो गई है। तो मतलब जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो क्लच के साथ तो अपने ऑन हो जाती है गाड़ी। तो भाई इसका ना एक डिसएडवांटेज है कि जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपने भाई नई नई सीखी है गाड़ी चलानी, तो आप जैसे भाई मान लो एसी वगैरह हर चीज़ ऑन, तो भाई लोड तो पड़ता ही है मारुति इंजन पे, और मान लो भाई आप एक साथ क्लच छोड़ दो और कहीं ऊंचाई आ जाए, अब मान लो भाई गाड़ी रुक गई ठीक है, तो अब भाई अगर आप ऐसी यहाँ पे क्लच पे पैर रख के गाड़ी को ऑन करना चाहो ना तो भाई कभी तो हो जाती है कभी नहीं होती। मतलब भाई अगर आप कहीं ऊंचाई पे खड़े हो ना और अगर आप चाहो कि भाई गाड़ी ऑन हो जाए तो भाई गाड़ी जब ऑन नहीं होगी। अगर मान लो भाई आप जानबूझ के ब्रेक वगैरह लगा के अपने ऐसे बंद कर रहे हो तो भाई ये जो इंजन आते हैं इसमें, ये भाई स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है, तो उन्हें भाई सब चीज़ पता रहती है इंजन को कि मतलब भाई कि आप जानबूझ के बंद कर रहे हो गाड़ी अपने आप आपसे हुई है कि गलती से भाई कहीं ऊंचाई पे बंद हो गई है। तो अगर आप अपने जानबूझ के बंद करोगे तो फिर भाई अपने ऐसे ऑन हो जाएगी, पर लेकिन अगर मान लो कहीं ऊंचाई पे बंद हो जाए तो भाई ऑन नहीं होती वो आसानी से। इसमें ये चीज़ एक दिक्कत रहती है कि अगर आपको ऑन करनी है फिर आपको मतलब दोनों ये ब्रेक भी दबाने पड़ेंगे जब जाके ऑन होती है, और उसके बाद भाई एकदम मतलब पहले बंद करो एक सब चीज़ फिर वापस खोलो जब जाके ऑन होती है, आसानी से होती नहीं है गाड़ी ऑन। तो इसका भाई एक डिसएडवांटेज ये भी है इस बटन का। तो भाई मतलब इसके भाई फायदे हैं तो मतलब नुकसान भी बहुत है, मतलब अगर कोई नया आदमी चलाए इसे गाड़ी को तो भाई उस पर चलेगी नहीं आसानी से, दिक्कत ही करेगी चलाने में। और जैसे BS6 इंजन आ रहे हैं तो उनमें तो ये चीज़ है कि गाड़ी जब ही ऑन होगी जब आप क्लच दबा के रखोगे। और बाकी भाई अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो इसमें ड्राइवर साइड के साथ साथ उस साइड भी इसमें ये रिक्वेस्ट सेंसर आता है, इसको रिक्वेस्ट सेंसर कहते हैं जो ये है ना, तो मैं दिखाता हूँ भाई इसमें उस साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको, जो ड्राइवर साइड के साइड वाली है जो अपनी को पैसेंजर साइड सीट होती है यहाँ पर भी ऐसे आपको मिल जाता है। तो भाई बढ़िया फंक्शन है अपने जो ये सब है। और यहाँ पे अगर पीछे तो भाई बूट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, पर लेकिन आपको ऐसे हैंडल मिल जाता है, इसको आप ऐसे जब दबाते हो ना पीछे को अनलॉक हो जाती है, तो मतलब आप आसानी से 6 जने तो आराम से बैठ के जा सकते हो। और बाकी फिर पीछे बूट स्पेस भी भाई 209 लीटर का है, जो कि भाई मोर देन इनफ है। तो भाई मतलब ये था इस वीडियो में, और भाई आपको साथ में यहाँ पे हाइब्रिड इंजन की बैजिंग भी मिल जाती है। तो भाई ये था इस वीडियो में, बाकी आप कमेंट करके बताना आपको मतलब गाड़ी कैसी लगी और साथ में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है कैसा लगा। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।